डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस सी एस ईडीओ पॉइंट पर। आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास देखने से पहले कॉपी और पेन और सब्जेक्ट की किताब लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जरूरी सूचना हमें आपके लिए ये है कि कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लास है, प्रतिदिन आपको सुबह 6:45 पे मैथ के लिए मिलेगी और 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए मैथ साइंस की क्लास आपको 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास आपको 7:45 में मिलेगी। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध होगी। आप इस क्लास को दिन में चाहे जब देख सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इसे शेयर करके अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुँचाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए, आपका समय बर्बाद किए बिना हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलो देखो, प्रश्नावली 5 ही में अलग से नोट लिखवाने की जरूरत है नहीं। नोट तो इसका पहले ही लिखवा लिए थे, बस सवाल देखना है इसमें। कौन सा सवाल होता है? सीधे सीधे 13 नंबर, 9 नंबर, cos इनवर्स 1 - x / 1 + x। देखो, कौन सा प्रश्नावली 5 की 4 नंबर बताना है? 4 नंबर बताना है? आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, चलो देखो, पहले 4 नंबर ही देख लो। y बराबर cos इनवर्स x y, यही है ना? अब देखो, पहले तो डी डी एक्स ऑफ वाई अर्थात डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ, इसको लिखोगे cos इनवर्स x बटे a का। अब तुमने cos इनवर्स के सामने किसका अवकलन पढ़ा है? एक्स का, मतलब डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1/√1 - x², यही पढ़ाना। तो क्या होगा, इसको मानक मानना पड़ेगा जी, मानना होगा ना, ध्यान देना इस बार, क्योंकि वो पूरा एक्स की जगह दिख रहा है। अब देखो, इसका अवकलन सूत्र की तरह करोगे, -1/√1 - x² होना चाहिए ना। 1 - x² की जगह किसका स्क्वायर? x/a का स्क्वायर। तुरंत डी डी एक्स ऑफ क्या? x/a। -1 इसमें लसा ले लो जी, a² नीचे a² हो जाएगा ना वर्ग करने के बाद, और ऊपर x² होगा, मतलब x² / a² हो जाएगा, होगा। तो इन दोनों में लसा a² लिया जाएगा। ये एक है ना अकेले, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इसमें इसका नीचे क्या था? a² था, पूरे का गुणा कर दिया जाएगा, अर्थात a² का गुणा कर दिया जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? x² होगा ना, इंटू 1/a बाहर कर दो और डी डी एक्स ऑफ x कितना कर लो? 1 कर दो। ध्यान से देखो, ये ऊपर वाले भिन्न है 1/1 है ना, और उसके नीचे लिखोगे करणी में a² - x² और इसकी करणी निकल जाएगी तो केवल a बचेगा। क्यों जी? क्योंकि करणी के अंदर अकेला ही वर्ग है ना, वो ऊपर वाले की करणी नहीं, उसकी करणी हट जाएगी क्या? नहीं हटेगी, क्योंकि बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है और वर्ग अलग अलग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, ये देखो, इंटू ये 1/a बचा हुआ है ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो -1 * a हो जाएगा, और बट्टे करणी में a² - x² बचा रहेगा, क्योंकि ये वाला नीचे ही आएगा, और गुणा 1/1 क्या बचा हुआ है? a, ये कट गया ना, तो -1/√a² - x², यही आंसर है। क्या आंसर आया? तो नोट कर रहा है, तो चलो देखो, सवाल नंबर 9, प्रश्नावली 5 की सवाल नंबर 9 कहता है y बराबर cos
cos inverse 1 minus x upon 1 plus x, ऐसा सवाल दिया है। तो इसको लगाने का दो तरीका हमारे पास है, एक तो सीधे सीधे cos inverse अक्ष का अवकलन किया जाए, ठीक है ना, इसको पूरे को x मान के, और जिसको x माने उसका फिर अवकलन करें। तनिक सोचो ध्यान से, अगर हम इसको x मान के अवकलन प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है ना, x मान के हम इसको अवकलन प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात पहले इसका स्क्वायर होगा, उसको हल करना पड़ेगा, करना होगा, फिर इसका अंश बटे हर पे अवकलन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, सवाल काफी बड़ा होगा, इसलिए हम एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं। ध्यान देना क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, इसकी जगह कुछ ऐसा मान लो कि सूत्र बन जाए, 1 माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है ना, अभी हम माना लिख रहे हैं x बराबर टेन स्क्वायर थीटा, बता दो क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना, किसका सूत्र है ये, cos 2 थीटा का सूत्र है, चैप्टर के शुरुआत में सबसे पहले लिखवाए जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ा रहे थे तभी, ठीक है ना, cos 2 थीटा का सूत्र बन गया, लेकिन वो थीटा में बन गया और हमको अवकलन तो x के सापेक्ष करना है ना, तो जो यहाँ तुमने मानक माना है उससे थीटा का मान निकाल लो, ये प्रतिस्थापन विधि है, कहीं भी यूज कर सकते हो, जहां पे देखो सूत्र बनने वाला हो तुरंत प्रतिस्थापन कर दो, इसके लिए तुम्हें त्रिकोणमिति के सारे सूत्र पता होने चाहिए, ठीक है ना, तो अभी ध्यान से देखना, हम इसको या करके क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का स्क्वायर बराबर एक्स लिख सकते हैं ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा जी, कर्ली एक्स बनेगा, और टेन उधर जाएगा तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स बनेगा, पहले पढ़ लिए थे इसको हम लोग, अर्थात पहले देखो एक्स की जगह तुम टेन स्क्वायर थीटा इसमें रख लोगे, फिर जहां थीटा आएगा उसकी जगह क्या रखना, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स रखोगे ना, तो समझो अब, इसलिए वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स की जगह रख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र है जी, कॉस टू थीटा का सूत्र है, कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कट गया कुछ दिखा, केवल बचा क्या, टू थीटा बचा जी वाई बराबर, यहाँ पे तनिक देख लो, थीटा का मान रखने पर कितना आसान सवाल हो गया, y बराबर थीटा की वैल्यू रख दो जी, 2 इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट x हो गया ना, दो को बाहर करोगे टेन इनवर्स अंडर रूट x का अवकलन करोगे तो ddx साफ, ये दो बाहर हो जाएगा ना, और ddx साफ किसका होगा, केवल टेन इनवर्स अंडर रूट x, हमने किसका अवकलन पढ़ रखा है जी, हमने अवकलन पढ़ रखा है ddx साफ टेन इनवर्स x का, क्या पढ़ रखा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह हमको कर्ली x दिख रहा है, इसलिए उसको क्या करेंगे, मानक मानने के बाद आगे की प्रक्रिया देखो, y बराबर 2 बाहर, इसका अवकलन सूत्र की तरह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह किसका स्क्वायर जी, कर्ली x का स्क्वायर हुआ ना, जिसको मानक माने थे, और तुरंत ddx साफ किसका जी, कर्ली में x, अर्थात x की घात किसका, 1/2 का, देखो 2 हो गया, ये 1 प्लस कर्ली में x का वर्ग, केवल कर्ली हटी तो क्या बच गया, 1 प्लस x बच गया, उसके बाद इसमें घात आगे आएगी, घात में से एक क्या हो जाएगा जी, हट जाएगा, ये 2 नीचे ये 2 ऊपर कट गया, 1 अपॉन 1 प्लस x बचा, और x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 बचा जी, बचा ना, वो नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा,
करणी बन जाएगा, तो 1 प्लस एक्स उसके बाद फिर करणी में एक्स, दिखाई दे रहा है कोई गलती? ऊपर से नीचे गया करणी बन गया, ये उत्तर हो गया, नोट कर लो। इस तरह से सवाल को लगाना है। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं कि तुम हर जगह मानकर मान के झोंके रहो, ठीक है, कुछ प्रतिस्थापन कर दो अगर सूत्र बना पा रहे हो तो। इसके लिए त्रिकोणमिति का सब सूत्र याद रखो, जैसे ये देखो ये सूत्र अगर हमको याद नहीं होता तो हम प्रतिस्थापन कर पाते नहीं कर पाते, इसलिए ये सूत्र हमको याद होना चाहिए था, जिससे पता चले कि हम प्रतिस्थापन यहाँ पे कर सकते हैं। और प्रतिस्थापन करने के बाद जो तुमने प्रतिस्थापन किया ना उसका उल्टा थीटा की भी वैल्यू निकाल लिया अगर पक्षांतर करके, टेन स्क्वायर थीटा था, टेन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या है ये एक्स है, तो एक्स को हमने उधर कर लिया, अब टेन थीटा स्क्वायर को उधर भेजे करड़ी बन गई, टेन थीटा बराबर क्या बन गया करड़ी एक्स बन गया, उसके बाद थीटा को रोके टेन को इधर भेजे है, तो टेन दूसरे पक्ष में जाके क्या बनता है टेन इनवर्स बनता है, ये हमने दूसरे चैप्टर में ही पढ़ा था, दूसरे में पढ़े थे तीसरे में पढ़े थे, तीसरे दूसरे में पढ़े थे कौन सा त्रिकोणमिति फलन में पढ़े थे ना कि त्रिकोणमिति फलन है ये दूसरे पक्ष में जाके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बनता है, बनता है, तो याद रखते रहना इसको। यहाँ से हमने थीटा का मान निकाला, यहाँ रख के फिर से उस मान को रख दिए जो थीटा का मान आया था, हो जाएगा, नोट कर सकते हो इसको। सवाल नंबर 13 है, कितना आसान, y बराबर 2x tan इनवर्स f है ना, उसके बाद माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, दो पद है, पहले तो दोनों पे डिग्री x लगाओ, तो dy dx बराबर इस वाले में दो बाहर होगा और dx ऑफ x इंटू किसका होगा tan इनवर्स f का, माइनस इसमें dx ऑफ किसका होगा जी log 1 प्लस x स्क्वायर का, इसमें कौन सा नियम लगेगा इस वाले में, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, मतलब फर्स्ट को रखोगे अर्थात एक्स को रखोगे डी डी एक्स ऑफ सेकेंड का अर्थात किसका टेन इनवर्स एक्स का, प्लस सेकेंड को रखोगे अर्थात टेन इनवर्स एक्स को रखोगे डी डी एक्स ऑफ किसका फर्स्ट का, हो गया ना। फिर उसके बाद माइनस लगाओगे जी, इसका अवकलन क्या पढ़े हो लॉग के सामने, तो तुमने एक्स का अवकलन पढ़ा है ना, उस एक्स की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या करना होगा मानक मानना होगा, मानना होगा ना, अगर तुमने मानक माना तो इसका अवकलन तो सूत्र की तरह कर दोगे, क्या कर दोगे जी लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है एक बट्टे एक्स, तो एक बट्टे एक्स की जगह क्या रख देना है, किसको मानक माने वन प्लस एक्स स्क्वायर को, उसको रख देना है, रखना है ना, लेकिन तुरंत डी डी एक्स ऑफ किसका जी वन प्लस एक्स स्क्वायर का, उसका नहीं वन प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, इसका उसका बताने से नहीं काम करेगा। तो टू इंटू इसमें हुआ एक्स और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन वो हो जाएगा है, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन वो होगा, एक्स और यक्स का अवकलन जी एक हो गया ना। ऐसे ही देखो इसका कोष्ठक बंद, कोष्ठक बंद हो गया ना, इसमें माइनस वन अपॉन वन प्लस यक्स स्क्वायर, इसका उत्तर टू टेन इनवर्स यक्स आया है क्या, इसमें एक का अवकलन जीरो प्लस इसमें घात आगे आएगी, घात में से एक क्या हो जाएगा घट जाएगा, घटेगा ना, अभी देखो अब दो का गुणा अंदर करा लो तुम, दो एक्स बट्टे एक प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कौन गलती, इसमें दो का गुणा तो दो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और माइनस ये तो दो एक्स बट्टे क्या बचा वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों क्या हो गए कट गए, उत्तर केवल आ गया,
2 tan inverse x, नोट कर दो। इतना कठिन सवाल नहीं लगा पाए तुम लोग। चलो जल्दी जल्दी छापो, हो गया ये वाला पूरा। चलो सवाल नंबर 17 का दूसरा, कभी कभी सवाल को देखते ही दिमाग काम कर जाता है। साइन वर्स एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अभी अगर सिंपल तरीके से लगाओगे तो क्या करोगे, पहले घात का अवकलन बनाओगे, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बनाओगे, बनाओगे ना। लेकिन तनिक ध्यान में रखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है ना, होगा क्या? ए प्लस बी मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ए माइनस बी मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सर्वसमिका से इसका मान हो गया पाई बट्टे दो, देख रहा है वाई बराबर आया, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा जी, पाई बट्टे दो तो अचर पद है बाहर हो गया, इसमें एक बार डी डी एक्स आप साइन इनवर्स एक्स हो गया, इसमें एक बार डी डी एक्स आप क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स हो गया। यहाँ सर्वसमिका लिख देते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टे दो, याद रखे ना, दोनों एक्स होता है तभी पाई बट्टे दो होगा, नहीं पता चला इसको वाई कर दो और लिख दो पाई बट्टे दो, ऐसा नहीं, दोनों बराबर होना चाहिए, जैसे हम त्रिकोणमिति वाली सर्वसमिका पढ़े हैं, ठीक है। पाई बट्टे दो इसका होता है 1/√1 − x² माइनस इसका होता है −1/√1 − x², हो गया ना। इधर देख लो, इतने में बता देते हैं, पाई बट्टे दो तो बचा ही हुआ है, अंदर बचा 1/√1 − x² प्लस 1/√1 − x² जी, क्योंकि ब्रैकेट टूटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना, दोनों एक का ही है ना, एक एक जुड़ के कितना हो जाएगा, दो होगा, दो से दो कट गया, पाई अपॉन क्या आ गया √1 − x², हो गया, नोट कर लो। अब लिखो अगला अभ्यास का नोट, प्रतिस्थापन के द्वारा अवकलन, प्रतिस्थापन के द्वारा अवकलन, प्रतिस्थापन के द्वारा अवकलन हो गया ना, लिखेंगे कुछ ऐसे फलन होते हैं, कुछ ऐसे फलन होते हैं कुछ ऐसे फलन होते हैं जिनका जिनका साधारण विधि से अवकलन जिनका
साधारण विधि से अवकलन जटिल होता है, जटिल होता है, परंतु परंतु यदि परंतु यदि उनमें चर पद के स्थान पर उनमें चर पद के स्थान पर किसी मान को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, चर पद के स्थान पर चर पद के स्थान पर किसी मान को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वे साधारण सूत्रों के रूप में बदल जाते हैं, तो वे साधारण सूत्रों के रूप में बदल जाते हैं, तो वे साधारण सूत्रों के रूप में बदल जाते हैं, हो गया ना? तो वे साधारण सूत्रों के रूप में बदल जाते हैं, हो गया? और उनका अवकलन आसानी से हो जाता है। हो गया ना? तो नीचे लिखो सिंगल इंडिकेट पॉइंट, सिंगल इंडिकेट पॉइंट, हो गया? देखो प्रतिस्थापन करते समय हम प्रतिस्थापन करते समय हम x को जिस चर में प्रतिस्थापित करते हैं, x को जिस चर में प्रतिस्थापित करते हैं, x को जिस चर में प्रतिस्थापित करते हैं, उस चर का मान पुनः x के पद में निकाल लेते हैं, हो गया ना? जैसे तुम देख सकते हो यदि y बराबर दे दिया जाए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया ना? तो क्या होगा इसका? अभी इसका साधारण विधि से अवकलन करें तो लगेगा कि इसको पहले मानक मानेंगे, फिर cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे, फिर भाग विधि लगाएंगे, फिर पिछले सवाल की तरह दुविधा होगी। इसलिए अगर हम इसमें प्रतिस्थापन कर दें, जहां x है वही tan थीटा रखते, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा सूत्र बन जाएगा। इसमें मान सकते हो, माना x बराबर क्या जी, tan थीटा, तो कहे तो tan थीटा बराबर क्या आया, x आया ना, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, कहने का मतलब थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए हम tan इनवर्स x के पद में, फिर से जिसको हमने मानक माना है उसका मान फिर से निकाल दिए, ठीक है ना? याद रखते रहना, यही काम करना है हमको। अब उसमें तो रख लो इसको ऐसे, y बराबर cos इनवर्स
वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया जी, कॉस इनवर्स ये कॉस टू थीटा का सूत्र है, कॉस इनवर्स के पास कट गया टू थीटा, थीटा का मान रख दो y बराबर क्या बन गया टेन इनवर्स x। अब इसका अवकलन ज्ञात कर लेंगे, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कहने का मतलब इसको लगाने से सवाल काफी छोटा हो गया, हो गया अभी नहीं लगाते तो अवकलन ही करते रहते अभी हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इस तरह से तुम इसका अवकलन आसानी से कर सकते हो, टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, दो बट्टे एक प्लस एक्स स्क्वायर उत्तर आ जाएगा इसका, नोट कर लो, बाकी की चीजें होंगी कल।